तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है उजाला बुटीक चैनल में। आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पीको मशीन लेना चाहते हैं या लेने की सोच रहे हैं, या फिर आपके पास पीको मशीन है तो उसे सिलाई कैसे करें, सारा कुछ बताने वाले हैं। और उसके साथ साथ पीको मशीन से हम कौन सा कपड़ा सिल सकते हैं, अगर होजरी का कपड़ा क्या हम सिल सकते हैं या नहीं सिल सकते, उसके साथ साथ कितना मोटा कपड़ा सिल सकते हैं, या जीन्स वगैरह अगर हमारे पास है तो उसे हम सिल सकते हैं या नहीं सिल सकते। बहुत सी यानी कि ऐसी दिमाग में थिंकिंग होती है जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हम चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं मोटा कपड़ा भी सिल कर दिखाएंगे, उसके साथ साथ होजरी वाला कपड़ा सिलेगा या नहीं सिलेगा या क्या प्रॉब्लम आएगी उसे भी हम बताएंगे। बस आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं, यानी कि हमारा उत्साह बढ़ाएं, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आते रहें। बस आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बस इतनी सी गुजारिश है आपसे, जो भी माता बहन भैया वीडियो देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बताते हैं पीको मशीन से हम सिलाई कैसे करें। तो फ्रेंड ध्यान से देखें, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्रेशर फुट को हमें चेंज कर लेना है अगर हम इससे सिलाई करेंगे तो। ये प्रेशर फुट हमारा कौन सा है, ये हमारा पीको वाला प्रेशर फुट है, देखें ध्यान से। तो ये पीको वाला है, जब हम पीको करते हैं तब ये वाला प्रेशर फुट यूज करते हैं। तो चलिए अब हम सिलाई करेंगे, तो सिलाई के लिए हमें क्या करना है, इस प्रेशर फुट को चेंज कर लेना है। तो बस वीडियो को कंटिन्यू देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आप किस कपड़े पर सिलाई कर पाएंगे, किस पे नहीं कर पाएंगे, वो भी हम आपको बताएंगे और उसका तरीका भी बताएंगे, अगर सिलाई आपको करनी है तो कैसे करेंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम इस प्रेशर फुट को इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं, इस तरीके से इंस्टॉल कर लें। तो इस पर हम जीन्स भी चलाकर दिखाएंगे और होजरी वाला कपड़ा भी चलाकर दिखाएंगे। तो चलिए धागा डाल लेते हैं, ध्यान से देखें वीडियो को, बस धागा इसी तरीके से हमें डालना है, देखें जैसे हम डालेंगे वैसे ही आप भी डालें। तो फ्रेंड्स इस तरीके से धागा डालें, चाहते हैं कि कौन सा कपड़ा हमारा मशीन ये चलाएगी। तो चलिए ये देख सकते हैं, ये कपड़ा एक है, ये हौजरी टाइप का है, लेकिन हौजरी नहीं हम कह सकते इसे, लेकिन ये गर्म वाला कपड़ा जो आता है रुआ वाला, वही कपड़ा है। तो चलिए इस पर चला कर देखते हैं सिलाई हमारी चलती है नहीं चलती है, उसके बाद सारे एक एक करके सभी कपड़े पर हम आपको चलाकर दिखाएंगे कि मशीन ये पीको वाली मशीन है तो कौन कौन से कपड़े पर ये काम करती है सही। देख सकते हैं इस पर तो हमारी सिलाई एकदम सुपर चल रही है, बढ़िया चल रही है, देख सकते हैं इस पर मेरी सिलाई एकदम बढ़िया और एकदम मस्त चली, देखें अच्छी चली, ठीक। तो इस पर डिजाइन भी अगर बनाना चाहें तो थोड़ा डिजाइन की सेटिंग भी कर लें, दो इस पैच को कस लें, ठीक है। तो कच क्या होगा, ये डिजाइन वाली सिलाई आने लगेगी। तो देखें ध्यान से, अभी हमारी सिलाई डिजाइन वाली आने लगी है। फिर अपने अनुसार जितनी चाहें उतनी डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, मतलब और भी चौड़ाई इसकी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, चाल कम कर सकते हैं, ये डिजाइन अपने इच्छा अनुसार, ठीक। सिर्फ हम आपको चलाकर दिखाते हैं, ठीक। तो ये कपड़ा हो गया, उसके बाद ये कपड़ा ये वाला है, ये होजरी वाला कपड़ा इसे बोलते हैं, ये बच्चों की जो बनियान वगैरह आती है ना वही है, ठीक। ये बढ़ने वाला कपड़ा आया, ऐसा नहीं है कि ना जो चीज़ है वो हम आपको क्लियर प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब हमें ये वाली जो यहाँ पर जो सेटिंग है इसे बिल्कुल जीरो पर कर देना, यहाँ पर नीचे खोलकर इस तरीके से कर लें, ठीक। वीडियो को देखते रहें कि हमारा कपड़ा मतलब हमारी होजरी पर कैसे सिलाई होगी, होजरी पर सिलाई नहीं होती है। तो ये सिर्फ सेटिंग की बात होती है, मशीन की अगर सेटिंग अच्छी है तो हमारा तो फ्रेंड देख सकते हैं होजरी पर कितनी बेहतरीन और कितनी अच्छी सिलाई हुई, एक एक टांका आप देख सकते हैं एकदम सुपर लगा हुआ। तो कुछ लोगों की कमेंट थी कि होजरी पर सिलाई नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ सेटिंग अच्छे से अगर सेटिंग कर लेंगे तो होजरी पर भी हमारी मशीन अच्छे से काम करेगी, बस शटल और सुई की सेटिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। फिलहाल में ये नई मशीन है तो शटल और सुई की सेटिंग तो ऑलरेडी आती है, अगर आपकी मशीन में शटल और सुई की निडल की सेटिंग सही नहीं है तो कमेंट करें, आपको सेटिंग वाला वीडियो भी हम जरूर देंगे। तो चलिए उसके बाद हम इस पर भी डिजाइन बनाकर दिखाते हैं। तो इस पर डिजाइन बनाने के लिए हम दो पर सेट कर लेते हैं मशीन को और देख सकते हैं इस तरीके से सिलाई चलाते हैं तो हमारी मशीन ये दो पर डिजाइन देख सकते हैं कैसी बन रही है। तो डिजाइन इस पर भी एकदम बेहतरीन बनेगी, बहुत ही अच्छी डिजाइन बन रही है। तो चलिए इसके बाद अब जो नेक्स्ट हमारा कपड़ा है वो है जीन्स वाला, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब जीन्स पर चलाकर दिखाएंगे कि जीन्स पर हमारी मशीन कैसे चलती है या नहीं चलती है, पीको वाली से सिलाई होगी या नहीं होगी। तो चलिए मोटे कपड़े पर, जीन्स काफ़ी मोटी होती है तो जीन्स पर ही हम सिलाई करके दिखाएंगे आपको, तो चलिए चलाकर दिखाते हैं। तो फ्रेंड ध्यान से देखें, यहाँ पर अगर सिलाई चलाएंगे तो यहाँ पर ज़्यादा मोटा हो जाता है, और एक पीको मशीन है तो पीको मशीन ज़्यादा फिर हैवी कपड़े पर चलाने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन चलिए फिर भी हम जीन्स पर चलाएंगे इस तरीके से। अगर आपको फिटिंग देनी है जीन्स की तो आप दे सकते हैं और आसानी से ये चल जाएगी।
और दूसरी बात ये है कि अभी ये पायदान पे नहीं रखी है तो चलाने में प्रॉब्लम होती है, कहाँ से चलाते हैं, कहाँ से कपड़ा पकड़ते हैं, ठीक। तो अगर पायदान पे चलाकर और यूज करेंगे मशीन को तो ये अच्छे से चल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ना चले, लेकिन हाँ ज़्यादा मोटा है तो फिर भाई पीको पीको होती है और सिलाई सिलाई मशीन होती है, ठीक है। अंतर तो होता है, लेकिन हाँ ये लगभग आपके 80% काम अपनी कर देगी इसी मशीन से। जो भी आप ब्लाउज वगैरह या कोई भी चीज़ सिलें तो वो काम इससे हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा मोटा है, निडल भी टूट सकती है, ठीक है। ज़्यादा मोटे पर फिर निडल टूट जाएगी और फिर पीको और फिर उसमें अंतर क्या रह जाएगा कि सारा काम अगर पीको ही कर देगी। तो देख सकते हैं इस तरीके से हम टाँका लगा सकते हैं और सिलाई हमारी इतनी मोटे पर तो हो गई है। तो इस तरीके से ही हम सिलाई को लगाते हैं। तो चलिए, उम्मीद आपको यहाँ तक जानकारी समझ में आई होगी कि जीन्स पर हम कैसे सिलाई कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप जीन्स भी सिल सकते हैं और ब्लाउज भी सिल सकते हैं और पेटीकोट वाला कपड़ा भी सिल सकते हैं और होजरी वाला कपड़ा भी सिल जाएगा, सभी कपड़े सिल जाएंगे। उसके साथ साथ अगर लेदर पर हम सिलेंगे तो लेदर पर चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लेदर ज़्यादा मोटी होती है और लेदर पर सिलाई चलाने में इसीलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि ज़्यादा मोटी होती है, इस पर निडल भी टूटने का डर रहता है। और दूसरी बात यह है कि अभी ये पीको पर सेट है, जब हम सिलाई पर इसकी सेटिंग करेंगे तो दांत इसके थोड़ा ऊपर उठाने पड़ेंगे, तब ये कपड़ा आगे ज़्यादा बढ़ाएगी। तो कपड़ा बढ़ाने में इसीलिए प्रॉब्लम मशीन देती है ये। चलिए दोबारा फिर देख लें, धागा भी तोड़ दिया इसने, तो धागा तोड़ना तो एक नॉर्मल बात है। चलिए दोबारा देखते हैं कि हमारी मशीन निडल तोड़ रही है कि नहीं तोड़ रही, क्योंकि लेदर पर ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो खींचने में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। दांत इसके थोड़ा नीचे बैठे हुए हैं इसीलिए इस तरीके से चल रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारी मशीन ने निडल भी तोड़ दी, क्योंकि थोड़ा बढ़ाने में लेदर ऐसा होता है कि लेदर आगे नहीं सरकता है, ठीक। तो इसीलिए ये कपड़ा आगे नहीं सरका, इसलिए निडल इसकी टूट गई। तो ध्यान रखें, फिलहाल में इतना मोटा कपड़ा अगर चलाना है तो आप बड़ी मशीन यूज कर सकते हैं या फिर इंडस्ट्रियल कोई भी मशीन ले सकते हैं, लेकिन हाँ आप कढ़ाई और पीको फाल सारा कुछ इससे कर सकते हैं, सिलाई भी कर सकते हैं, ब्लाउज की सिलाई सब कुछ इससे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। भाई देखिए, लेदर काफ़ी मोटा होता है, ठीक, इसलिए थोड़ा सिलने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन हाँ फिर भी उम्मीद है आपको जानकारी ये समझ में आई होगी और आपने समझ लिया होगा कि पीको वाली मशीन से हम क्या क्या चीज़ सिल सकते हैं और क्या क्या नहीं सिल सकते हैं। अगर फिर भी आपकी कोई कमेंट है तो कमेंट ज़रूर करें, लेकिन भाई हमें एक प्यार भरी लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी लाइक के भरोसे ही हम ये वीडियो बनाते हैं। बस आप लोगों से अनुरोध है कि भाई इतनी देर हमने वीडियो बनाया, आपको इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि भाई एक लाइक ज़रूर करके जाएं। तो जो भी माता है मैंने भैया वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।